why CBM, why IBA, why Zabest? ये वो चीज़ है जो कि आपको सबसे अलग करती है. इसके बाद बारी आती है why the program you have chosen. For example, आपसे पूछा जाएगा why BBA. मतलब this question can make or break your interview. एक बहुत मशहूर सवाल है, what if we don't give you admission? तो इसका जवाब बड़ा आसान सा है. IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हुनैन और आज की वीडियो में मैं IBA, CBM, Zabest इनके जो जेनेरिक क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करूंगा. अच्छा, ये क्वेश्चंस जो हैं ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ पे भी ऑब्वियसली अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन एज अ होल कराची की टॉप बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ यही तीन हैं, तो अभी मेरा मेन फोकस इन्हीं के ऊपर है. तो वैसे तो देर आर टन्स ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस में डिवाइड करूं तो ये कुछ बहुत मशहूर क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले सालों में काफ़ी टाइम से यही सवाल मेनली पूछे जाते हैं, जिसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब योर सेल्फ. बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है, लेकिन ये वो क्वेश्चन होता है जो कि आपके पूरे इंटरव्यू की टोन सेट करता है. मतलब दिस क्वेश्चन कैन मेक और ब्रेक योर इंटरव्यू. I personally divide this question into three parts. Number one is academics. आपने अपना background बताना है कि आपने O-level/matric कहाँ से किया, आपने inter/A-levels कहाँ से किया, in fact आपके क्या grades थे. अच्छे हैं तो ज़रूर बताइएगा, अच्छे नहीं हैं तो skip the part. और इसी तरह आपने for example किसी subject में कोई distinction हासिल करी, या कोई भी आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने कोई नेशनल या फिर इनफैक्ट इंटर स्कूल आपने कोई भी अचीवमेंट हासिल करी, तो वो आपने इस एकेडमिक्स में डिफ़ाइन कर दी. अच्छा, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा ECAs, या फिर इसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं. इसमें आपने डिबेटिंग करी है, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, आप ड्रामेटिक्स में अच्छे हैं, या इनफैक्ट आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके एकेडमिक्स से हटकर है, जो कि आपने अपने स्कूल अपने कॉलेज में किया हो या इनफैक्ट अपनी लाइफ में किया हो, तो वो बिल्कुल इसमें शामिल होता है. इसमें आप इनफैक्ट अगर आप फॉर एग्जांपल एक अच्छे लेवल पे गेमिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CS है, डोटा है, और इसके अलावा आप इवेंट मैनेज करते हैं, इनफैक्ट आपका कोई अपना बिजनेस है छोटा सा, आप एंटरप्रेन्योर हैं, समथिंग विच इज़ नॉट अबाउट योर स्टडीज़, सही है. दे ऑल दीज यूनिवर्सिटीज़ डू नॉट वॉन्ट बुकवॉर्म्स, दे वॉन्ट अ कम्प्लीट पैकेज. जो इसका थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो मैं कहता हूँ उसको USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट. ये वो चीज़ है जो कि आपको सबसे अलग करती है. इनफैक्ट अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा USP ये है कि मैं टाइम बहुत अच्छा मैनेज करता हूँ. मैं आई पर्सनली नो कि मेरे लिए एक मिनट 60 सेकेंड्स ये क्या क्या मायने रखते हैं. आई एम नेवर लेट, अल्हम्दुलिल्लाह. आई रीच बिफोर टाइम, तो मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को. तो इनफैक्ट आप, हर बंदा यूनिक होता है, हर बंदे के पास एक क्वालिटी होती है, तो बस आपको वो इंटरव्यूअर को एक्सप्रेस करवानी है. तो ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब योर सेल्फ. मूविंग ऑन, एक और बहुत अच्छा सवाल आता है, वाई CBM, वाई IBA, वाई Zabest. तो इसका मेन स्ट्रीम जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि ये टॉप यूनिवर्सिटी है, या फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बाद मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी, या फिर कोई भी ऐसा मटीरियलिस्टिक जवाब जो कि आपका नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़े. इससे बहुत बेहतर ये है कि आप ये जवाब दें, इसकी फैकल्टी बहुत अच्छी है, इसका एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है, यहाँ से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स निकले हैं. अगर मैं IBA की बात करूँ तो IBA ने तो एंटरप्रेन्योर्स, पॉलिटिशियंस, फैशन डिज़ाइनर्स, यू नेम इट, बहुत सारे लोग क्रिएट करें, तो इसका एलुमनाई नेटवर्क बहुत वास्ट है. तो ये एक सवाल ऐसा होता है जिसमें आप एक अच्छा सोफिस्टिकेटेड नॉन क्लीशेड जवाब दें तो यू आर गुड टू गो. इसके बाद बारी आती है वाई द प्रोग्राम यू हैव चोजन. फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा YBBA. अब YBBA का अगर आप गूगल करें या फिर आप किसी से भी सुनेंगे, वही मेन स्ट्रीम जवाब है कि मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, तो आई एम गोइंग फॉर BBA सो दैट आई कैन हैव अ जैक ऑफ ऑल ऑप्शंस इन विच आई कैन डू सम मार्केटिंग, सम सप्लाई चेन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड देन आई विल डिसाइड. तो ये तो बहुत मेन स्ट्रीम जवाब है ना. यू शुड एक्चुअली लिंक योर करियर विद द डिग्री यू विल बी डूइंग. मतलब आपके एस्पिरेशंस, आपका करियर एंड द डिग्री यू आर अबाउट टू डू, इनके बीच में एक अच्छा सा ट्राइंगल बनना चाहिए जो कि हर तरफ से मिल रहा हो. ऐसे बिला वजह उठा के जवाब देना ये मज़े की बात नहीं है. फॉर एग्जांपल मैंने जब ACF किया था IBA से, तो मेरा मुझे फॉर एग्जांपल बैंक में जॉब करनी थी,
तो मैंने ये कहा था कि मैं ACF इसलिए कर रहा हूँ सो दैट आई कैन पॉलिश माई फाइनेंस स्किल्स एंड आई कैन मेक माई करियर इन फाइनेंस विच कैन ईदर बी हार्ड कोर फाइनेंस और विच कैन ईदर बी इन प्योर स्टॉक एक्सचेंज या फिर प्योर ब्रोकरेज हाउस. तो इन शॉर्ट मैं ऐसी बात करूँ जो कि मेरे आगे 10 साल को डिफाइन करे. अच्छा, सिर्फ ये कह देना कि मैं BBA इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि IBA का BBA बेस्ट है, मैं BBA इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि IBA के BBA का नेटवर्क बहुत बड़ा है, या फिर फॉर एग्जांपल मैं ZABIS से CS इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ZABIS का CS बहुत अच्छा है, या फिर CBM इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि CBM एक्चुअरियल साइंसेज कराता है. तो ये तो ऑब्वियसली अजीब सी बात है ना. वाई वुड समवन चूज यू ओवर समवन इफ योर जवाब इज क्लीशेड, इफ यू डू नॉट हैव द स्पार्क, इफ यू आर जस्ट अ रैंडम गाय और गर्ल. तो यू हैव टू स्टैंड आउट. मूविंग ऑन, एक बहुत मशहूर सवाल है, वॉट इफ वी डोंट गिव यू एडमिशन. तो इसका जवाब बड़ा आसान सा है कि आई हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर टू गेटिंग इन टू योर यूनिवर्सिटी. आई हैव गिव ऑल आई हैड टू क्लियर द टेस्ट एंड नाउ आई एम होपिंग टू क्लियर द इंटरव्यू. हाउ एवर इफ आई डू नॉट क्लियर आई विल बी डिवेस्टेटेड, आई विल बी डिमोटिवेटेड. एंड अब आपके पास दो रास्ते हैं, ईदर यू कैन टेल देम कि आई हैव अप्लाइड एल्सवेयर. फॉर एग्जाम्पल CBM में आप ये कह सकते हैं मैंने ZABIS और IBM अप्लाई करा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैंने गैप एड लिया है. अब इसमें ये होता है कि इसमें इंटरव्यूअर पे इंटरव्यूअर डिपेंड करता है. कुछ लोग इस बात को पॉजिटिव लेते हैं कि अगर आपने कहीं और बैकअप प्लान नहीं रखा, और कुछ लोग इसको बहुत नेगेटिव लेते हैं. तो ये थोड़ा सा ये वो सवाल होता है जिसमें बंदा ना थोड़ा सेफ साइड हो जाए और वो ये कह दे हाँ भाई मैंने बैकअप रखा हुआ है. और लेकिन यही है, मेरी पहली प्रायोरिटी CBM थी और CBM रहेगी. तो आपको इसको जस्टिफाई कर दें तो यू आर गुड टू गो. इसके बाद सवाल आता है भाई व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. स्ट्रेंथ में मैं हार्ड वर्किंग हूँ, टैलेंटेड हूँ, डिसीजन मेकर अच्छा हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा भाई. आपको अगर आप ये कह रहे हो आप हार्ड वर्किंग हो तो आपके पास पूरी स्टोरी रेडी हो. स्टोरी से क्या मुराद है, अपनी पूरी लाइफ में से कोई ऐसे इंस्टेंसेस निकालें जहाँ पर आपने कुछ यूनिक काम किया हो. बी इट यू शोड अप एज अ लीडर, यू पार्टिसिपेटेड एज अ टीम, और बी इट एनीथिंग. और उस चीज़ को फिर अपने इन स्टोरीज में फिट करें. मेकिंग सेंस? तो इसी तरह व्हाट आर योर वीकनेसेस. ये कह देना कि मैं लेजी हूँ, मैं नमाजें नहीं पढ़ता, मैं झूठ बोलता हूँ, तो ये तो बहुत अजीब सी बात है ना, मतलब दिस डज नॉट मेक सेंस. However, saying कि मैं किसी को मना नहीं कर पाता, I never say no to anyone. And then incorporating this with कि मैं इसलिए मना नहीं करता क्योंकि I personally feel कि अगर मैं किसी के लिए मतलब मुझसे कोई काम बोलेगा तो मैं उसका काम कर दूंगा तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा. हाँ, इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे अपने काम भी कभी कभार रह जाते हैं. तो ये एक बड़ी सटल तरीके की वीकनेस थी विच शोज़ कि यू आर अ वेरी गुड टीम प्लेयर या फिर यू आर अ वेरी हेल्पफुल पर्सन. ये एक और सवाल था. इसके बाद एक सवाल ये आ सकता है व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट. बहुत सोच के जवाब देना है. कोई भी सब्जेक्ट बोलें तो आपके पास उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए. ऐसे नहीं बोल दें कि आप फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ अच्छा लगता है लेकिन आपको मैथ आता नहीं है, तो जो आता है वो बोलिएगा. हाँ, आपसे कोई सवाल का जवाब नहीं आता तो आप क्लियर कट बोल दीजिएगा आई एम रियली सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट नाउ. नहीं आता जवाब लोगों को, उस वक्त क्लिक नहीं होता, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है. इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट यू आर गुड टू गो. हाउएवर किसी भी जवाब को ना देना और फिर उसमें ऐसा रिएक्शन देना कि भाई अब तो मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होता. पूरे इंटरव्यू में एक मैथ का सवाल गलत देने पे आप अगर फेल हुए तो क्या बात है. यू कैन इनफैक्ट टेल देम कि अगर वो आपसे बोले यार आपको तो मैथ आती नहीं है, आपको तो जवाब दिया ही नहीं, तो आप उनको ये कह सकते हो बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से कि सर आई हैव क्लियर्ड द CBMs या फिर IBAs टेस्ट एंड आई पर्सनली बिलीव आई हैव अ गुड ग्रिप इन मैथमेटिक्स. हाउएवर द क्वेश्चन यू आस्क्ड आई एम नॉट एबल टू रिकॉल या फिर आई हैव नॉट प्रीवियसली स्टडीड अबाउट दिस. बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से ये बोलने की जरूरत नहीं है भाई मैंने तो टेस्ट क्लियर करा है, मुझे तो आता है. तो ये तो फिर ऑब्वियसली ये तो आपको एक गलत डायरेक्शन में निकाल देगा. कुछ की पॉइंट्स हैं भाई, आपने बिल्कुल भी पॉलिटिकल, बिल्कुल भी रिलीजियस बात नहीं करनी है, आपने इससे रिफ्रेन करना है. मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारे पॉइंट्स को जल्दी जल्दी डिस्कस करूँ ताकि एक होलिस्टिक पिक्चर आ जाए. आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें, बुक्स पढ़ना शुरू कर दें. ऑब्वियसली बुक्स पूरी तो पढ़ नहीं सकते, तो कोई कम से कम एक बुक तो अच्छी खासी पढ़ लें. और अभी बजट आया था, बजट को गो थ्रू करें. अभी थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में पढ़ें, डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है,
एक तमीज़ होनी चाहिए ना कि भाई क्रिप्टो है क्या. इसके अलावा थोड़े बहुत कैपिटल्स पता होने चाहिए. अभी ज़ाबिश के थोड़े से इंटरव्यूज हुए हैं, उसमें बच्चों से कैपिटल्स के बारे में पूछा गया, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूछा गया. एक बड़ा अच्छा एक मिनट, ये तो मैंने आपसे ना जनरल क्वेश्चंस के बारे में बात करी है. अब मैं थोड़ा सा ना जो रैंडम क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ. तो कैपिटल्स, कॉन्टिनेंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ओवरऑल पिक्चर देख लें. हमारा एक जनरल नॉलेज का हैंड आउट है, वो देख लें, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर्ड अप हैं. इसके अलावा आप उनसे, बहुत सारे बच्चों से पूछा गया कि भाई कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा टॉपिक छेड़ो जिस पर हम डिबेट कर सकें, तो वो आपके कंटेंट से ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस को चेक करते हैं. सही है, आपने अगर उनसे डिबेट भी करी और अगर वो डिबेट हेल्दी डिबेट थी तो फिट है बॉस, यू आर डूइंग अमेजिंग, क्योंकि यू आर कन्वर्जिंग विद द पीपल. तो बस दिस इज़ इट. मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इंटरव्यूज़ की. पिछले साल मैंने कोविड को देखते हुए वीडियो बनाई थी, उससे पिछले साल मैंने नॉन कोविड को देखते हुए वीडियो बनाई थी जब सब कुछ नॉर्मल था. इस साल IBA ने पर्सनल स्टेटमेंट डाल दी है, तो पर्सनल स्टेटमेंट से कोई सवाल आ सकता है. ज़ाबिश ने टेस्ट नहीं लिया है, डायरेक्ट इंटरव्यूज ले रहा है, तो इंटरव्यूज थोड़े से मामूली से टफ होंगे. CBM तो वही है जैसे 2019 में था. तो हाँ, चीज़ें थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही हैं, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी होगी. अच्छा, आई वुड रियली आस्क यू गाइज टू फाइंड आउट IBA ग्रेड्स का एक इंटरव्यू का हैंड आउट, एक हमारा क्वेश्चनर है, उसको ज़रूर ढूंढने, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा आपको. तो उसमें सारे मशहूर क्वेश्चंस हैं, उनको जॉट डाउन करें. इंटरव्यू देने से पहले कम से कम एक दो लोगों को जो कि आपके सर्कल में हैं, आपके एल्डर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनको एक मॉक इंटरव्यू दे दें. डायरेक्ट मुंह उठा के इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है. एंड आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ. आप अच्छे से अल्लाह से मांग के जाएँ, इस पे तो कोई बहस ही नहीं है. अल्लाह से मांग के जाएँ, अल्लाह से खूब मांगे कि भाई अगर मेरे हक में बेहतर है तो मुझे ज़रूर इंटरव्यू क्लियर करें. एंड बाकी तो यू आर रॉक सॉलिड. आपकी तैयारी है, आपकी आपने मॉक इंटरव्यूज़ दिया है, आपने अल्लाह से मांगा है, तो बस अब आपके और इंटरव्यू के बीच में अल्लाह की बेहतरी है. बेहतरी होगी तो पास हो जाएंगे, नहीं होगी तो अल्लाह ने कुछ बेहतर लिखा हुआ है. सिंपल, इसी फंडे पे चलते हैं हम. थैंक यू सो मच गाइज, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.